जय माता जी। हर साल की तरह इस साल भी जब हमारी दीपावली आती है तब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, और ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं है। 29 अक्टूबर को हमारी धनतेरस है, 30 अक्टूबर को काली चौदस है, और 31 अक्टूबर को हमारी दीपावली है। फिर 1 नवंबर खाली है और 2 नवंबर के दिन हमारा नूतन वर्ष है। हमारे पंचांग के हिसाब से अमावस्या 31 रात को 31 अक्टूबर को प्रारंभ हो जाती है, और दीपावली का महत्व रात्रि के दिन टाइम पे है। इसलिए हम 31 अक्टूबर को दीपावली करेंगे। कोई ऐसा चाहता है कि हम काली चौदस के दिन धन की पूजा करें, धनतेरस मनाएं, दीपावली के दिन हम काली चौदस के प्रयोग करें, ये इसलिए हो रहा है कि हमें पंचांग देखना नहीं आता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, हिंदू पंचांग के हिसाब से हमारा 29 तारीख को धनतेरस रहेगी, 30 तारीख को काली चौदस रहेगी, 31 अक्टूबर को दीपावली रहेगी, एक दिन खाली है यानी कि 1 नवंबर के दिन खाली है, और 2 नवंबर को हमारा नूतन वर्ष है। इसलिए आपको मैं मुहूर्त भेज दूंगा, और आप अन्य के ऊपर भरोसा न करें, आपके पंडित जी को, आपके गुरु जी को पूछें, वही आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे। अस्तु, वंदे गो मातरम, विरल बापू, मौज।